आज हम जानेंगे आरटीई एक्ट 2009 के बारे में। बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन करता है। 1 अप्रैल 2010 को अधिनियम लागू होने पर भारत शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाने वाले 135 देशों में एक बन गया। निशुल्क शिक्षा। निशुल्क शिक्षा का अर्थ है कि एक बच्चे के अलावा कोई भी बच्चा जिसे उसके माता पिता ने ऐसे स्कूल में दाखिला दिया है जो उपयुक्त सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी भी प्रकार के शुल्क या खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। प्रारंभिक शिक्षा को आगे बढ़ाने और पूरा करने से है। अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के लिए उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों पर एक दायित्व डालता है। इसके साथ भारत एक अधिकार आधारित ढांचे की ओर बढ़ गया है, जो आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21A में निहित इस मौलिक बाल अधिकार को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर कानूनी दायित्व डालता है।